हे मैनिमल, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत 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 अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है पैटर्न कटिंग के बारे में। तो आज हम बनाएंगे बस्टिये कॉसेट टॉप। तो पहले टॉप नहीं बनाएंगे, स्टिचिंग का ट्यूटोरियल सेकंड वीडियो में आएगा, अभी हम बनाएंगे इसका पैटर्न। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस्टियर बनाने के लिए मैंने चूज़ किया है ये रेड सैटिन फैब्रिक, इसके साथ इसकी लाइनिंग भी है, और ये है ब्रा कप्स। और ब्रा कप जो है ना मेरा ये राउंड शेप में है, बट मुझे चाहिए ये एक्चुअल में इस शेप में। जो बस्टियर बनना है वो ऐसा बनना है, और जो मेरे पास ब्रा कप्स है वो है इस शेप के। तो पहले मुझे क्या करना है ना, ब्रा कप्स को इस शेप में काट लेना है। तो मैंने अपने एक ब्रा कप को इस शेप में ऑलरेडी काट लिया था। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये मटेरियल हटा दीजिए। और ये अब आप जैसे कि इसको देख सकते हो, ये इस शेप से मैच कर रहा है। ठीक है, अभी जो ये इसकी मार्किंग होगी ना, वो ये वाली मार्किंग है, वो यहाँ से ऐसे मार्किंग होगी और यहाँ से ऐसे मार्किंग होगी। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ये कट पीस था, इसको दूसरे ब्रा कप पे ट्रेस करके इसकी भी कटिंग कर लूंगी। जो मार्केट में बने बनाए ब्रा पैड्स आते हैं ना, वो थोड़े स्टर्डी होते हैं। उसमें ना यहाँ पे थोड़ा मतलब जब वो बनते हैं तभी उनको ये थोड़ा हार्ड बनाते हैं, ताकि ये इस शेप में, क्योंकि ये राउंड था और हमने इसको काटा है, तो ये अभी थोड़ा सा इस तरह से बैठ रहा है। तो इसको हमको ना स्टिचिंग के टाइम ही थोड़ा इसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। मैं मार्केट से ले आई हूँ ये टेप, और ये मुझे पड़ी 50 रुपीज़ की। तो ये टेप टेक्निक क्या होता है ना, आपको जिस भी शेप का पैटर्न बनाना है उसके ऊपर आप टेप कर लो। तो मैंने ये जो ब्रा कप था इसके ऊपर टेप कर लिया, और इसके ऊपर ये कर ली मैंने। ये देखो, ये टेप जो पेपर टेप होता है ना, ये है, और इसके ऊपर मैंने कर ली है मार्किंग। तो चलो इसकी कर लेते हैं कटिंग, और फिर मैं आपको बनाती हूँ पैटर्न, आपको दिखाती हूँ पैटर्न बना के। तो जो ये इसके ऊपर मार्किंग हुई है ना, मुझे इसके ऊपर से जस्ट इसको कट कर लेना। तो सबसे पहले जब हम ये सेंटर से इसको कट करते हैं ना, तो आप देखोगे कि ये पैटर्न इस तरह से खुल गया है ना। पर अभी भी आप इसको इस तरह से फ्लैट नहीं रख सकते, क्योंकि अभी इसमें कप का शेप है। तो अब मुझे क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है इसको कट करना है। तो जब भी हम ड्रेस ड्रेपिंग करते हैं ना, उसमें यही टेक्निक अपनाते हैं। तो जब हम कहीं कॉर्नर्स पे जब फैब्रिक अड़ता है ना, तो जो स्निप स्निप करते हैं वो इसी रीज़न से करते हैं, ताकि जो पैटर्न है ना वो फ्लैट हो जाए। वैसे ना डायरेक्ट पैटर्न बनाने से तो ना ड्रेपिंग ज़्यादा इजी होती है, बट ड्रेपिंग हमें करनी पड़ती है किसके ऊपर, जी हाँ, मैनीक्विन। और मैनीक्विन बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे नंबर्स, नंबर 1। ठीक है, ये इस तरह से था ना, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर अभी हम ये इसके ऊपर मार्किंग नहीं करते तो बाद में जोड़ते हुए दिक्कत आ जाएगी। इतना सारा जो कचरा है ना, ये फैलाने के बाद एटलीस्ट मेरे दोनों पैटर्न्स रेडी है। ये है मेरा 2D पैटर्न, जो कि मैंने डायरेक्ट पेपर पे बनाया, ये मेरा डार्ट है। तो ये 2D पैटर्न है, ये है फ्रंट, ये है बैक, और ये वो पैटर्न है 3D पैटर्न, जो कि मैंने सीधे जो बस्ट पैड है उसके ऊपर बनाया था। तो चलो इनको, ये मेरे जो मैनीक्विन है ना यांग, वो उसकी मेज़रमेंट की है, ये मेज़रमेंट से कटिंग करी हुई है, और ये है पैड से, जो कि मैंने आपको बताया आप इससे भी कर सकते हो। बट इसके लिए ना आपको जो बॉडीस ब्लॉक है वो पहले ही रेडी करके रखना पड़ेगा, और आप इसको बॉडीस ब्लॉक के ऊपर एडजस्ट करोगे, और ये है डायरेक्ट मेज़रमेंट से। तो आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ,
यहाँ ना मैं खुद ही भूल गई थी मैं क्या दिखा रही हूँ। मैं अपनी जो ड्रेस है ना वो क्योंकि बना रही हूँ यांग के लिए, तो फिर मैं वो बनाऊंगी इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ट्रेसिंग टेक्निक से करना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग ड्रेस बना सकते हो। तो मैं बनाऊंगी इसके अकॉर्डिंग। तो आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए ये मेरा पैटर्न है रेडी। तो आप हमेशा इस तरह से मेरे वीडियो देखते रहे और थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनल प्रोडक्ट के साथ।